अभी चलो सुपरमार्केट जाकर आते हैं, मैंने लिस्ट बना ली है इस महीने के बजट के हिसाब से, जो जो जरूरी है ना वो सब लेकर आते हैं। कम बजट तो केकेआर का था यार, 24 करोड़ 75 लाख में उन्होंने मिचेल स्टार्क को खरीदा। ही इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। तुम्हें पता है अगर वो हर मैच खेले और हर मैच में 4 ओवर फेंके तो उसका पर बॉल कॉस्ट क्या होगा? क्या होगा? रफली 6 लाख्स पर बॉल, 36 लाख्स पर ओवर। कैन यू बिलीव इट? इट्स मैडनिंग यार। यार तुम्हारे मुंबई का मौसम हमको समझ में नहीं आता, पूरा टाइम ठंडे पसीने छूटते रहते हैं हमारे। अरे ठंडे पसीने तो आरसीबी के फैंस के छूट रहे हैं, विराट सेंचुरी भी मारता है तो भी हार जाते हैं। साला इनका तो बैड लक ही खराब है भाई। ये बताओ आज का मैच कौन जीतेगा भाई? पहला हैदराबाद और दूसरा पंजाब। क्या बात है लल्ला, है सीख रहे हो मैच एनालिसिस भाई? कल तो कमाल ही हो गया, अपनी दोनों प्रेडिक्शन सही निकली। अबे तुम भी लगाए थे क्या? अरे हम कहाँ लगाए थे यार, हम तो बस देखकर खुश हो रहे थे। तुम ये बताओ कल कितना जीते तुम? अरे यार कल तो बस हम चिल्लर जीते हैं, लेकिन मलाई खाने वाला गेम है आज मुंबई का, समझ रहे हो? मुंबई का भाव भी चढ़ा हुआ है एकदम, और आज बड़ा खेलना है। हम पे भरोसा करके अगर तुम भी लगा पाते ना। हमारा मन तो है बहुत, लेकिन हिचकिचा रहे हैं। वो दरअसल बात यह है कि मीरा ने अपनी ज्वेलरी ना खरीद कर वो पैसा हमें दिया है अपना लैपटॉप खरीदने के लिए। अब वही पैसा हम सट्टे पर लगाते तो पैसा। अरे एक मिनट, अगर पैसा तुमको दिया है ना तो अब पैसा तुम्हारा हुआ, समझे? अरे यार तुम सोचो भाभी खुश नहीं हो जाएंगी जब कल घर में लैपटॉप और गहना दोनों एक साथ आएगा? अल्लाह हमारे पास पक्की खबर है तो हम तो लगाएंगे, समझ रहे हो? तो अब हम निकल रहे हैं क्योंकि हमको देर हो रही है, तैयार भी होना है, और हम तुमसे मिलेंगे रात में मैच के बाद, ठीक है? चलो क्या लगता है कौन जीतेगा? Once again striking beautifully. तुम बस पॉपकॉर्न खाते रहो। परफेक्ट। अरे तुम पॉपकॉर्न खा रही थी ना, और मैं नाचोस खा रहा था तो विकेट गिरा। अरे मना किया ना तुम्हें यार, तुम ये तुम्हारा पॉपकॉर्न तुम खाओ प्लीज। तुम्हें मना किया था ना मैंने, पानी क्यों पिया तुमने? अरे टोटका था यार, देखा लग गया ना लास्ट बॉल पे छक्का। अभी रिलैक्स, इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, छोड़ो बंद करो अपना मैच, ही वैसे भी मुंबई हारने वाला है। मीरा ऐसे नेगेटिव बातें क्यों कर रही हो तुम? तब से मैं यहाँ पे बैठ के पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, अपनी टीम को जिताने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम आई हेट नेगेटिविटी यार। तुम्हारे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन का काम करते ना तो 200 नहीं बनते। छोड़ो ना इसे, चलो मेरे साथ सुपरमार्केट जाके आते हैं, सारे काम खत्म कर लेते हैं और तुम्हारा लैपटॉप भी ले आते हैं। अरे भाड़ में क्या लैपटॉप यार, बाद में ले लेंगे, ऐसी क्या अर्जेंसी है? अभी मैं मैच पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे फुल कंसंट्रेशन के साथ मैच देखना। अभी हमारी बैटिंग बाकी है और 201 चेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट हैज हैपेंड बिफोर। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, एंड वैसे भी ये टोटका इज नॉट वर्किंग, यू प्लीज गो, इट वुड बी बेटर फॉर आवर टीम। अरे छोड़ ना यार, तकिया छोड़। ठीक है मैं अकेली चली जाती हूँ। जाओ चेंज द टोटका। क्या हुआ, इतने अंधेरे में क्यों बैठे हो? मेरे जीवन में कब अंधेरा हो गया पता ही नहीं चला। You won't believe आज क्या हुआ? Yes, I cannot believe it. पता है, मैं जब सुपरमार्केट गई ना तो वो मार्केटिंग वाले मेरे पीछे पड़ गए, मैडम फॉर्म भर दो, मैडम फॉर्म भर दो, एंड यू नो कि मैं इन सब में नहीं पढ़ती हूँ, बट उन्होंने इतना इंसिस्ट किया कि आई गिव इन, मैंने फॉर्म भर दिया, एंड गेस व्हाट, मैं जीत गई। जीत गई यार? क्या जीत गई यार? आई बिकेम द लकी ड्रॉ विनर।
एक्चुअली क्या हुआ ना, जैसे ही फॉर्म भरा मैंने जाकर काउंटर पर दे दिया एंड देन दे अनाउंस्ड एंड हु वाज द लकी विनर. सच ही कहते हैं मुंबई के बारे में, मुंबई इज ट्रूली अनप्रिडिक्टेबल. यहाँ कभी भी ना कुछ भी हो सकता है. यस, मुंबई इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. सारे स्टैटिस्टिक्स फेल हो गए. वैसे तुम लकी ड्रॉ में कितने पैसे जीती? पूरे ढाई ढाई हजार रुपए. ढाई हजार जीत कर तुम इतना खुश हो रही हो? और तुम तो ऐसे मुंह बना रहे हो जैसे मैं लाख रुपए हार कर आई हूँ. हार तो मुंबई गए. वो तो मैंने पहले ही कहा था कि 202 चेस करना डिफिकल्ट है. सी व्हेन यू लूज अर्ली विकेट्स, फिर हर ओवर में 10 का एवरेज बना के चलना मुश्किल हो जाता है और प्रेशर और बढ़ जाता है. प्रेशर तो मुझ पर है. छोड़ो ना, इट्स जस्ट अ गेम. इतना क्यों उदास हो रहे हो? यू विन सम यू लूज सम. चलो खाना खा लेते हैं और वो सुधांशु को भी फोन करके पूछ लो, इज ही गोइंग टू जॉइन अस और नॉट. मेरी तो भूख ही मर गई है और मुझे नहीं लगता कि सुधांशु भी खाना खाने की हालत में होगा. तुम जाओ, तुम खा लो. पक्का? यस. ठीक है, फिर भी तुम्हारे लिए थोड़ा रखती हूँ, फ्रिज में भूख लगे तो खा लेना. क्या हाल अल्लाह है, हमसे छुप छुप के लगा रहे हो? खुशी में नहीं, गम में लगा रहे हैं हम. अबे तुम्हें किस बात का गम? साले तुम हार्दिक पांड्या की तरह हार कर भी दांत फाड़ रहे हो और हमसे पूछ रहे हो कि तुम्हें किस बात का गम? हम तो हारे ही नहीं. मतलब? अरे मतलब मुंबई हारा पर हम नहीं हारे, हम जीते. हमने तुम्हें पहले ही कहा था, हमारी टीम हमेशा विनिंग टीम होती है. तो बस. अबे तुम कैसे जीत गए बे? अरे मुंबई की हवा बदल गई थी तो हमें पता लगा तो हमने दूसरी टीम पे लगा दिया. अब जितना जीतना चाहिए था उतना नहीं जीते, लेकिन फिर भी प्लस में है. अरे तो हमें क्यों नहीं बताए बे? अबे तुम्हें क्यों नहीं बताया? मतलब? मतलब हम लाख रुपए हार गए. मैं यार तुमने हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम हमें बता चुके थे ना. क्या बता चुके थे? कि मुंबई जीतने वाला है. अरे मुंबई जीतने वाला था लल्ला, मुंबई हार गया है. वो तो पता है हमें, तभी तो हमारे. अरे चलो कोई बात नहीं, होता रहता है. कोई बात नहीं? अरे कमाल करते हो यार, अब मीरा को क्या मुंह दिखाएंगे हम? और लैपटॉप कहाँ से लाएंगे? तुम्हारी वजह से हम लाख रुपए हार गए और तुम बोल रहे हो कोई बात नहीं. देखो तुम मुंह दिखाओगे और हंस हंस के दिखाओगे, कल सवेरे तक हम एक सॉलिड प्लान तैयार करेंगे तुम्हारे पैसे की रिकवरी के लिए. हाँ भाई, कुछ भी करो, कोई भी जुगाड़ लगाओ. कह दो कि तुम्हारे भाई से गलती हो गई, गलती से सट्टा लगा दिया. प्लीज मन्यू, तुम लल्ला के लल्ला ही रह गए. लगाया हुआ पैसा वापस नहीं आता, लेकिन और पैसा लगा के हारा हुआ पैसा वापस आ सकता है. अरे कल सवेरे तक हम गणित लगा कर कुछ इंतजाम करेंगे, समझे? तुम घबराओ मत, अभी हम जिंदा हैं, समझे? तुम लो अपना. सुन बे, हम बोल रहे हैं. हाँ. अरे चलो, अच्छा है तुम रेडी हो. चलो अब तुम्हारा लैपटॉप लेकर आते हैं. नहीं मीरा, मुझे ना थोड़ी थकान सी हो रही है, कभी और चलते हैं ना. तुम मैच देख रहे थे, खेल नहीं रहे थे? नहीं खेल रहा था पर हार गया. अभी मुझे नहीं पता था तुम आईपीएल से इतने ऑब्सेस्ड हो. मुझे लगता है ये सब ना उस सुधांशु की संगत का असर है. ठीक है, रेस्ट करो तुम, मुझे पैसे दे दो और वो मॉडल नंबर बता दो जो अच्छा लगा था, मैं जाकर ले आती. मेरा इतनी जल्दबाजी क्या है? ले लेंगे ना आराम से. नो, आई डू नॉट ट्रस्ट यू, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपना लैपटॉप नहीं बल्कि मेरे लिए जाकर ज्वेलरी ले आओगे, है ना? यही प्लान था ना तुम्हारा? हाँ, ऐसा ही कुछ प्लान. एग्जैक्टली. और ये मैं होने नहीं दूंगी, इसलिए लाओ पैसे दो. मेरा दो? अच्छा ठीक है, बता दो कहाँ रखे, मैं जाकर ले लेती हूँ. वो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता. क्यों? वो पैसे मैं हार गया. क्या? What do you mean हार गया? मैंने बैटिंग की थी और मुंबई इंडियंस पर पैसा लगाया था और मैं हार गया. Are you serious? अभी तुम कब से ये बैटिंग करने लगे? कब से ऐसी इलीगल चीजों में पड़ गए हो यार? This is just so irresponsible of you. अभी 1 लाख रुपया छोटा अमाउंट नहीं है.
I did not expect this from you. That was a gift for your laptop. Betting के लिए नहीं थे. मेरा actually मुंबई इंडियंस जीतने वाला था. स्टेटिस्टिक्स और इनसाइडर टिप के हिसाब से. इनसाइडर टिप किसने दी थी तुम्हें? इनसाइडर टिप सुधांशु ने. यार तुम कब से इतने बेवकूफ हो गए कि टिप के चक्कर में ट्रैप हो गए? हाँ, दिस इज सो रिडिकुलस. मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूं. अल्लाह सुनो भाई, हमने इनर सर्कल में बात करके पूरा का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, ठीक है? अब अगले मैच में तुम्हें इंतजाम करना है 50,000 का, ठीक है? कलकत्ता जीतेगा तो तुम जीतोगे 20, फिर अगले मैच में राजस्थान जीतेगा तो तुम लगाओगे 70 और तुम्हें मिलेंगे 30. तो ऐसे धीरे धीरे करके 4 मैचेस में तुम्हारा सारा पैसा रिकवर हो जाएगा. देखो भैया, हमें ना धीरे ना जल्दी कोई पैसा रिकवर नहीं करना है. जो पैसा गया सो गया. हमें अपने जीवन की बहुत बड़ी सीख मिल गई है बस. और तुमसे कह रहे हैं तुम भी सीख लो, वक्त रहते सुधर जाओ. बहुत बड़ा बड़ा खेल रहे हो ना तुम. जिस दिन फंसोगे ना, बहुत बड़ा वाला फंसोगे. बंद कर दो ये सब. अरे यार तुम इतना टेंशन काहे ले रहे हो बे? हैं, खेल है, हार जीत लगी रहती है. हैं, एक बार हार गए तो उसका मतलब क्या डर के बैठ जाएंगे क्या? क्या पट्टी बढ़ा रहे हो अपने भाई को? अरे भाभी वो कुछ नहीं, हमारा पुराना हिसाब किताब था, उसी को क्लियर कर रहे थे और कुछ नहीं. तुम्हारा नया पुराना सारा हिसाब किताब मिल चुका है मुझे, ठीक है? अभी तुम कॉल लगा रहे हो पप्पी मौसी और मौसा जी को या मैं लगाऊं? अरे भाभी आप हमारे आपस की बीच की बात में मम्मी पापा को काहे घसीट रही हैं? आपस की बात है इसलिए प्यार से समझा रहे हैं. देखो जुए का उसूल होता है, कसीनो नेवर लूजेस. और इस केस में बुकी कसीनो है. बुकी कभी नहीं हारता, हारते हम जैसे लोग हैं. हम जैसे नहीं, तुम जैसे लोग. हम हमेशा प्लस में रहते हैं. और अगर यही बात है ना लल्ला, तो तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे. ठीक है, हम अपना देख लेते हैं. जी नमस्ते पप्पी मौसी, कैसी हैं आप? जी नहीं अभी निकला नहीं है, बस 3 बजे की फ्लाइट है. हाँ एक्चुअली आपको सुधांशु के बारे में कुछ बताना था. एक सेकंड ना पप्पी मौसी, एक सेकंड. हम माफी मांग रहे हैं भाभी, कान पकड़ के, ठीक है? अच्छा माँ की कसम खा रहे हैं, है? हम सब बंद कर देंगे. बस आप मम्मी पापा को कुछ मत बताइए, वो बहुत जूतियाँ सूटेंगे हमें. आप नहीं समझ रही हैं बात को. जी मौसी. हाँ, नहीं बस ये बताना था कि सुधांशु पहले से काफी समझदार और जिम्मेदार हो गया है. लगता ही नहीं पहले वाला सुधांशु है. जी 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 नहीं जरूर आएंगे आपके दर्शन करने के लिए लखनऊ. जी जी प्रणाम. भाभी आप हमको फंसा देते आज. फंसा नहीं रहे, बचा रहे हैं तुम्हें, समझे? और अगर मुझे पता चला ना कि यहां से जाने के बाद तुमने फिर से ये बैटिंग का खेल शुरू कर दिया तो सचमुच बता दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे लखनऊ ही क्यों ना जाना पड़े. भाभी तो मां समान होती है और हमने भाभी के सामने मां की कसम खाई है. अब भाभी से झूठ बोल के थोड़ी ना कोई गलत काम करेंगे. क्या भाई आईपीएल का मजा ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो बे? लेकिन ये जो मजा है ना, सजा भी बन सकता है. Yes, no betting please guys, betting से दूर रहो. हाँ betting से आपकी mental health, physical health, family health, specially wealth खत्म हो जाती है यार. Yes, और इसका end result कभी भी अच्छा नहीं होता. Yes, अगर bet करना है ना हम पर करो. हम हैं लंबी रेस के घोड़े. बहुत 8 साल से तो दौड़ ही रहे हैं. दौड़ रहे हैं, आगे भी दौड़ेंगे और 8 साल दौड़ेंगे. बस आपको पहुंच चाहिए और 10 मिलियन तक पहुंचना है. बस पहुंच जाएंगे, बस पहुंचने वाले. सो ऑफ कोर्स एज ऑलवेज ये बताने की जरूरत तो है नहीं, बट फिर भी बता देती हूं. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिटी आइडियाज ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब. एंड विद दिस एक नए वीडियो के साथ, अमेजिंग वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे. टिल देन बाय बाय.